वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दो ठो कोई नंबर है, ठीक है, आई दोनों नंबर का अंतर, डिफरेंस का मतलब होता है उसका अंतर, दोनों नंबर का अंतर 180 है। नहीं समझे, मान लीजिए कि हम बोले दो नंबर का अंतर 20 आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 60 हो गया एगो नंबर, एगो 40 हो गया, एकरा बीच में कितना का अंतर है, तो घटा के देख लीजिए इसके बीच में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, 20 का अंतर है कि नहीं। तो यही बोल रहा है, कोई दो ठो नंबर दिया है लेकिन दोनों नंबर पता नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसका अंतर कितना है, 180 है। लेकिन सिर्फ नंबर नहीं है, ये जो नंबर है, नंबर का वर्ग करने पर, नंबर का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो ना हमको ये वाला नंबर पता है ना ये नंबर पता है, लेकिन इतना क्वेश्चन में जरूर पता है कि कह रहा है दो ठो कोई नंबर है, नंबर का वर्गों का अंतर, क्या बोल रहा है, नंबर यहाँ जो दोनों जो भी है उस नंबर का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, या वर्ग करके घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 180, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एगो कोनो बड़ा नंबर, जैसे यहाँ 60 और यहाँ 40 भरे थे ना, तो यहाँ कोई बड़ा नंबर होगा, यहाँ कोई छोटा नंबर होगा, तो वही हम लोग बड़ा छोटा निकाल लेते हैं, उसके बाद ले जाके इसी में भर के ऐसे लिख देंगे, आंसर इजी वे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कह रहा है कि छोटा नंबर का वर्ग कीजिएगा, छोटा जो भी नंबर आपका छोटका आएगा उसका वर्ग कीजिए, अच्छा है बड़ा नंबर का क्या कीजिए, 8 गुना कीजिए, दोनों आपस में बराबर आएगा। पहले समझिएगा, यहां लिखते हैं, पहले बड़ा छोटा नंबर मान लें, पहले यहां हम लोग लिखते हैं, माना कि बड़ी संख्या, क्या लिखते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर एक्स, दो गो तो संख्या है, दोनों का हम लोग को वर्ग करके घटाना है तो 180 आएगा, यानी स्क्वायर करके तब डिफरेंस करना है। माना कि बड़ी संख्या मान लिए x और छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या यहाँ पे छोटिया हो जाएगी y, समझ गए। अब ये बड़ी या छोटी पता चल गई, यही ना हम लोगों को पता नहीं था कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, अब तो ये x बड़ा पता चल गया, छोटा वाला y पता चल गया। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर, वर्गों का अंतर, यानी दो नंबर के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, 180, इसका वर्ग कीजिए, वर्ग का मतलब होता है x स्क्वायर का वर्ग और y स्क्वायर, दोनों का वर्ग करके घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 180। ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, कह रहा है छोटका नंबर का क्या कीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, अब बड़ा नंबर क्या, 8 टाइम्स माने 8 गुना, और यहाँ पे लार्जर नंबर का 8 गुना कर दीजिए तो दोनों बराबर होगा, यानी छोटा वाला क्या है, वाई है, तो वाई का कह रहा है स्क्वायर कर दीजिए, और बड़ा वाला का क्या कर दीजिए, एक्स है ना, तो एक्स का हमने क्या कर दिया, 8 गुना कर दिया, इसको मान लीजिए समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो, वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 8, कैसे आया, तो बोल रहा था कि छोटा वाले का वर्ग बड़े वाले का 8 गुना के बराबर यहाँ पे होगा, तो छोटा वाले y था तो y का वर्ग बड़ा वाला के 8 गुना कर दिए, ठीक, y स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, y स्क्वायर का मान ले जाके इसमें भर दो, तो y स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब बताइए कि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट इंटू लास्ट के जैसा दिख रहा है कि नहीं, एकदम सेम टू सेम फर्स्ट इनटू लास्ट के जैसा दिख रहा है, अब पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात है, जितना पावर होता है वही घात बन जाता है, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब हम इसको वैल्यू इसका निकाले, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 0, ए बराबर पहला वाला नंबर, इसमें कोई नंबर आ रहा है, यहाँ पे आता है नंबर, नहीं है तो एक लिखिए, बी बराबर नंबर क्या है, माइनस में 8, सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 180, लगाइए डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक का फॉर्मूला, इसको विवेचक कहते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, माइनस में 8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 का, सी का मान दिया है माइनस में 180, 8 अठाई हो जाएगा 64, ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 18 चौका 72, एगो जीरो हो गया,
इसको जोड़िए, चार हो जाएगा, छः दो आठ हो जाएगा, चार दो ये हो जाएगा, चार छः दो हो गया आठ, ये सात, 784। डी का मान कितना आया 784। अब निकाल लीजिए, आपको निकालना है पता है क्या, हम तो ऐसे ही माने हैं ना दो नंबर, यहाँ ओरिजिनल निकालना है, कोई नंबर आना चाहिए, वो नंबर का स्क्वायर करके और घटाइएगा तो 180 आएगा, ऐसा नंबर लाना है। तो एक्स और वाई का मान निकालना है, तो एक्स बराबर ये फॉर्मूला तो जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा में 2a। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, बहुत ही मजेदार और धुएंधार तरीके से बताया गया है। यहां देखिए माइनस है तो माइनस ही, फॉर्मूला का माइनस है। अब b का मान कितना है, माइनस में 8, ये वाला ऑलरेडी दिया है। अब दो को एक जगह पे माइनस अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐसे घेर लो, प्लस माइनस। d का मान कितना है 784 और बट्टा में 2a का मान हो गया 1। ठीक है, यहां से अब बनाते हैं, देखते चलेगा। माइनस माइनस प्लस में हो गया ये कितना 8 और प्लस माइनस 784 का वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो आपका 28 आएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है, देखिए सर्वाना नहीं है, डायरेक्ट कमेंट कीजिए कि हमको ये नहीं आता है, बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ वर्गमूल भी आपको पता चल जाएगा। बटा में हो गया 2, ये एक्स बराबर है। ठीक है, एक्स बराबर एक बार प्लस के साथ 28 लो, प्लस माइनस दोनों है ना, 8 + 28/2 एक्स बराबर हो जाएगा कितना 28 और 8 कितना होता है 36 और बटा में 2 ये हो जाएगा आपका 18। अब देखिए एक बार जब आप माइनस में लिखिएगा तो 8 माइनस 28 होगा, कितना होगा 8 माइनस 28, और 28 में से 8 जाइएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा आपका 20, तो ये निगेटिव नंबर आ रहा है ना माइनस। एक बार मान लीजिए कि आप ऐसे करेंगे 8 माइनस 28 और बट्टा में 2, 28 में से 8 जाएगा कितना बचेगा माइनस में 20 बटा 2 कटाइएगा तो माइनस 10 आंसर आएगा। आप माइनस ला के क्या कीजिएगा, माइनस में आंसर तो होता ही नहीं है, प्लस वाला ही आंसर रखिए। एक्स बराबर कितना आ गया 18, यहाँ देखिए बड़ी संख्या आपका कितना है 18, एक्स वही ना है 18। अब एक्स का मान ले जाके किसी में भर दीजिए, वाई का मान निकल जाएगा, इसमें ले जाके भरिए इसमें। ठीक है, समीकरण 2 में ले जाके भरिए, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है वाई स्क्वायर बराबर 8x, वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स का मान कितना आया है 18, वाई स्क्वायर 18 8 कितना होता है 144, वाई स्क्वायर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में हो जाता है, रूट में 144, वाई बराबर कितना आ गया आपका 12। ठीक है, तो देखिए यही था आपका, बड़ी संख्या हो जाएगा 18 और छोटी संख्या वाई जो माने हो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, बड़ी संख्या इक्वल टू कितना 18 और छोटी संख्या इक्वल टू 12। तो लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि बहुत मजा आया होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।